हेलो नमस्ते, आप शशिकाल कैसे हैं? गॉड ब्लेस यू ऑल, आप हंसते और मुस्कुराते हैं। वेलकम टू लाइफ मंत्र मैजिक। फ्रेंड्स, बीस जून यानी कि कल है गंगा दशहरा का महापर्व, जो कि जेठ मास के यानी कि जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भागीरथ जी ने शिवजी की जटा से स्वर्ग से माँ गंगा को धरती पर लाया और हमारे इस धरती को पावन और पवित्र बनाया, और उस दिन से ये त्यौहार मनाने की परंपरा शुरू हो गई। आज के दिन गंगा स्नान करने से और दान पुण्य करने से आपके रोग, कष्ट, दुख, जितने भी प्रकार के नकारात्मक शक्तियां हैं, वो हर एक चीज का अंत होता है, खत्म होती है, और आपके जीवन में आ रही कष्ट, बाधाएं, उन सबों का नाश होता है। लेकिन अभी कोरोना काल में मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इस टाइम गंगा जी जाएं, गंगा नदी जाएं और वहां स्नान करें। मैं सब बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी। इसलिए कुछ ऐसे उपाय मैं लेकर के आई हूं जिससे कि आप इस दिन का पूरा लाभ अपने घर पे ही उठा सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही एक मैजिकल उपाय बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत आसानी से कर सकते हो। सो वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा जी। बिल्कुल, अगर आप में भक्ति है, श्रद्धा है, तो आपको एक छोटे से लोटे के पात्र में भी भगवान ईश्वर दिख जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सुबह अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कर लेना है। अब उसके बाद आप अपने पूजा रूम में जाओगे, वहां आपको पूजा करनी है। आपको एक लोटा लेना है, उसमें थोड़ा गंगा जल और पानी मिला लेना है। फिर उसमें आप डालोगे थोड़े से फूल, अक्षत, रोली, कुमकुम, लौंग, सुपारी, ये सारी चीजें मिला करके आप अपने हाथ में लेके माँ गंगा को याद करोगे और बोलोगे, माँ मैं गंगा नदी आने में असमर्थ हूँ, आप मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। इस तरह से कह के आप उस जल को सारे घर में छिड़क दीजिए, और अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो आप उस पर भी ये जल छिड़क दो और उसके बिस्तर पे भी ये जल छिड़क दो। इससे बहुत ही लाभ होता है, आपके घर की निगेटिविटी खत्म होती है, हर रोग, दोष, पाप सबसे आपको मुक्ति मिलती है। अगर आप मंदिर जा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप घर में एक छोटा सा शिवलिंग आप रखो। उसमें आपको क्या करना है, गंगा जल को धीरे धीरे करके शिवजी के ऊपर चढ़ाना है और ये मंत्र बोलना है, ओम गंगा धाराय नमः। इस मंत्र का जाप 11 बार करके आप गंगा जल शिवजी पे चढ़ाएं। इससे शिवजी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपका पितृ दोष भी खत्म होता है, और आपको मन चाह, आप जो भी चाहते हो, आपकी इच्छा भी बहुत जल्दी पूरी होती है। आज के दिन अगर आप गौशाला जा सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपको कहीं गाय दिखे तो उस पर आप गंगा जल छिड़क दे। इससे कृष्ण भगवान की कृपा आप पे बनी रहती है। आज के दिन अगर आप 10 की गिनती में कोई चीज दान करते हो तो बहुत ही फलदायी होता है। आज आपको जैसे 10 किलो चावल, 10 किलो आटा या 10 रुपए किसी भी गरीब या जरूरतमंद इंसान को आप जरूर दान करें। आज के दिन दान पुण्य करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो चलिए अब मैं बता देती हूँ आपको वो मैजिकल सा उपाय जिससे कि आप अपनी हर एक परेशानी को दूर कर सकते हो। ये उपाय बहुत ही कारगर है। आपको क्या करना है, आपको लेना है 10 जायफल, जो कि आप मसाले में भी देखते होंगे ऐसा, ओके। तो 10 जायफल आप लोगे और उस 10 जायफल को आप अपने राइट हैंड में रख के अपना जो भी प्रॉब्लम है, जो भी किसी भी बीमारी से जूझ रहे हो या किसी परेशानी से जूझ रहे हो, जो भी प्रॉब्लम से, एनीथिंग, आप बोलोगे और उसे अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 10 बार आप घुमाओगे, ओके। 10 बार घुमाने के बाद आप इसे अपने घर के बाहर चौराहे पे या अपने घर के डस्टबिन में आप इसे फेंक देना। फिर देखना आपने जितनी भी परेशानियां बोली हैं वो सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। ये बहुत ही मैजिकल है, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा 20 जून के दिन यानी कि कल। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।